हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान की वैकेंसी के बारे में। इसमें आपकी वेरियस पोस्ट की वैकेंसी निकली है, जिसमें ड्राइवर है और अदर पोस्ट की वैकेंसी निकली है। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में देखने मिल जाएंगी। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारी चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड, बात करते हैं इस वैकेंसी की, जो कि हमारी भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान की वैकेंसी है। ठीक है, तो इसकी एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है। ठीक है, देखते हैं IPIRTI। ठीक है, बेंगलोर। यहाँ पे फॉलोइंग पोस्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं, ड्राइवर की है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की है, कारपेंटर की है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की है। वैकेंसी एक एक वैकेंसी है सब। यहाँ पे एसेंशियल देखें, फॉर पोजीशन फॉर वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस मोटर कार, आपका 10वीं क्लास पास होना चाहिए। ठीक है, जो कि सेंट्रल स्टेट बोर्ड से। डिजायरेबल नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, द कैंडिडेट शुड बी एबल टू रेक्टिफाई मेयर माइनर डिफेक्ट। और ट्रेड आपका टेस्ट है लेवल 2 का, 19,000 से लेकर 34,000 UR कैटेगरी में। एसेंशियल देखते हैं, 10वीं आपके NTS की है, मल्टी टास्किंग स्टाफ, 10वीं आपका क्लास का पास होना चाहिए। रिकॉग्नाइज बोर्ड से 18 से 30,000 से ले UR कैटेगरी के लिए है। SSC या HSC 12th सेंस साइंस से होना चाहिए, 60% मार्क होने या एग्रीगेट। ठीक है, ITI सर्टिफिकेट ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन रेलिवेंट फील्ड। आपकी सैलरी है लेवल 2 की 19 से लेकर 34,000 तक। ठीक है, यहाँ पे UR कैटेगरी की है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे 1 वैकेंसी है। ठीक है, SSC की, यहाँ पे आप देखिए 10 स्टैंडर्ड इन साइंस विथ आपके 50% मार्क इन एग्रीगेट ITI सर्टिफिकेट ऑफ द 2 ईयर। यहाँ पे आपको देखने वाले लेवल 1, 18 से लेकर 30,000 UR कैटेगरी की वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी एज रखी गई 18 से 27 रखी गई है। फॉर पोस्ट नंबर आपका 1 एंड 2, तो ठीक है, नंबर 2, 1 और 2 के लिए 28 से 27 रखी हुई है, और बिटवीन 28 से 28 लगी नंबर 3 और 4 के लिए। ठीक है, इन लास्ट वालों के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्कुलर डेट है, डिटरमाइनिंग एज लिमिट यहाँ पे, क्लोजिंग डेट ये आपको बता रखा है। ठीक है, यहाँ पे आपको इंटरेस्टेड कैंडिडेट एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, जो कि UR कैटेगरी के लिए 600 रुपये और SST कैंडिडेट के लिए 300 रुपये आपका रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से जानकारी देगी, जो एड्रेस है इस एड्रेस पे आपको जो फॉर्म है, फॉर्म को फिलअप करके भर के भेजना होगा। ठीक है, तो ये आप दे सकते हैं, इस एड्रेस को आप नोट कर सकते हैं, नीचे आ रहा है, इस एड्रेस को आप भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं टर्म और कंडीशन आ रही है, वो यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। हम इसकी फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस पे चलते हैं फ्रेंड। तो इसका ये फॉर्म है, इसको आपको डाउनलोड करना है, इस फॉर्म को फिलअप करके आपको भरकर भेजना होगा। डायरेक्ट कारपेंटर, लेबोरेटरी अटेंडेंट जो भी है आपका है, आपका कैटेगरी पोस्ट है, अनरिजर्व डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना है। ठीक है, तो डेट और रुपये, नेम ऑफ बैंक आपका जो है, लेटर में नाम, फादर, पेरेंट्स, एड्रेस, ठीक है, परमानेंट एड्रेस, सॉरी एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंट, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल आपको देनी है, डेट ऑफ बर्थ के बारे में बताना है, आपकी जो एज ऑन क्लोजिंग डेट रिसिप्ट में यहाँ पे आपको बताना है, आपकी जो क्लोजिंग हो रही है उसके हिसाब से। ठीक है, आपको यहाँ पे मेल फीमेल है ये बताना है, आप किस कैटेगरी से हैं यहाँ पे बताना है, नेशनलिटी बतानी है। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है, आपको किस तरीके की आपको बीमारी है या फिजिकल डिसेबल है उसके बारे में बताना है, आपका एग्जामिनेशन के बारे में, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी देनी है, यहाँ पे आपको लाइसेंस है तो उसके बारे में जानकारी देनी है। ठीक है, नेम ऑफ एम्प्लॉय विद फुल आपको एड्रेस यहाँ पे आपको देना है, एम्प्लॉय डिटेल, प्रेजेंट पोजीशन बैकवर्ड टू आपको यहाँ पे जानकारी देनी है। ठीक है, अटेस्टेड कॉपी, स्पेसिफिक एक्सपेंस के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आ रहा है डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करेंगे, उन सब की यहाँ पे आपको जानकारी देनी है। ठीक है, यस या नो में आपको सिंपली करना है। ठीक है, डिक्लेरेशन आ रहा है, इस तरीके से आपको फॉर्म फिल करके भरकर भेजना होगा। तो फ्रेंड, ये आप देख सकते हैं फॉर्म को, आपको 30 से 40 45, आपको 30 समय दे रखा है। ठीक है, ऑल जो कि 45 डे नॉर्थ ईस्ट रीजन के दे रखा है। ठीक है, तो आपको इस समय आपको दे सकते हैं, आपको ये फॉर्म को जल्दी से भरकर भेजना होगा। ठीक है, यहाँ पे स्पीड पोस्ट या ओनली हैंड डिलीवर कूरियर। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से जानकारी आ रही है, तो ये आप दे सकते हैं फ्रेंड। अगर फ्रेंड ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ें, डेली आप लोगों को ऐसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।